प्रकाश अरुण कुमार एंड सन्स, एक ऐसा नाम जो आभूषण की दुनिया में क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चलें कि ये सिर्फ मऊ जनपद में ही नहीं बल्कि आसपास के भी तमाम जिलों में अपने क्रांतिकारी दुकानदारी के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही समय समय पर अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए स्कीम भी लाते हैं और योजनाओं के तहत लाभ भी पहुंचाते रहते हैं। यही नहीं, बता दें आपको कि अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए आज के इस आधुनिक युग में जहां पर इन्होंने सोने की शुद्धता की गारंटी दी है, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि आधुनिक मशीन ला करके सोने की रिपोर्ट के साथ साथ 30 सेकंड में सोने का एक्सरे करके आपको बता देंगे। सिर्फ आपका मत अपनी दुकान का ही सोना नहीं बल्कि आपका खरीदा हुआ भी किसी भी दुकान का सोना। वहीं साथ साथ एक बड़ा ऑफर ये भी रहता है, 18 कैरेट की ज्वेलरी पर 100% की वापसी रहती है। यानी पूरे तरीके से ईमानदारी का प्रतीक ये नाम है रामदास अरुण कुमार एंड सन्स, जो मौजूद है, जो स्थित है राजस्थान भवन के बगल में, मऊ शहर में राजस्थान भवन के ठीक बगल में। जहां ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है रामदास अरुण कुमार एंड सन्स को, तो वहीं इसके प्रोप्राइटर महेश बाबू, जो कि आज के समय में भी बिल्कुल सेकुलर हैं, और इनकी खास मुलाकात मौलाना अरशद मदनी साहब से हुई और अरशद मदनी साहब ने इनके लिए बड़ी दुआएं की और उन दुआओं को भी आगे वीडियो में हम सुनाते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं जो ये वीडियो, ये इस मऊ में आधुनिक दुकान पर आधुनिक डिज़ाइनों में ये वीडियो बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत और बिल्कुल अलग किस्म की ये डिज़ाइनें हैं जो आपको ऑनलाइन देख के भी आप ऑफलाइन ले सकते हैं। आगे हम आपको सुनाते हैं। करम फरमा महेश शर्मा साहब मऊ से, जिनका कारोबार ज्वेलरी का है, मौलाना खुर्शीद अहमद साहब, मौलाना जावेद साहब का आदमी है और मौलाना फारूक साहब के साथ मेरी बड़ी खुशकिस्मती की बात है और ख़ुशी की बात है कि मिलने के लिए मऊ से दिल्ली आए, और उनके अखलाक करीमाना से मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह उनके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए और उन्हें भी खैर आफियत के साथ रखे। हकीकत यह है कि उन्होंने जिस मोहब्बत का इजहार किया और वो यहाँ से तशरीफ़ लाए, मेरे दिल में उसकी बड़ी कदर है। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पुरानी वो प्यार और मोहब्बत की तारीख जो हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में हज़ारों साल से गांव दर गांव, आबादी दर आबादी है, इसी का नाम है। और आज उसी के मिसाल को उन्होंने पेश किया है। मैं उनकी इस कदरदानी से और वहाँ से यहाँ तक पहुँच कर इस मोहब्बत के इधार से बहुत मुतासिर हूँ। और मैं तमाम लोगों को ये पैगाम पहुँचाता हूँ कि इसी तरह मिलजुल करके प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है, फिरकापरस्त ताकतों के हाथ में जो ताकत है इस बुनियाद पर वो नफ़रत के बाज़ार को गर्म करते हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन हम जहां हैं प्यार मोहब्बत के पैगाम को देकर और हिंदू और मुसलमान को इसी तरह करीब तरीके के ऊपर रह कर और रख रखाव के साथ ज़िंदगी गुजार कर हम उसका जवाब दे सकते हैं। और ये बड़ी कीमती चीज़ है, हर मुसलमान को इसी तरीके की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।